पब्लिक टीवी आपकी आवाज। और यहाँ पर बैठे सभी महानुभाव छात्राणियों को मेरा सत्संग प्रणाम। डॉक्टर शिपाली चौहान जी, शशि चौहान जी, धारा ठाकुर जी, पूजा राघव जी, आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे यह अवसर देने के लिए कि आज मैं आपके समक्ष यहाँ पर खड़ी हूँ। छत्राणी सम्मेलन में विराजमान समस्त क्षत्रिय ललनाएं व उनकी वीर माताएं, आपको मेरा सादर प्रणाम है। मैं आभार प्रकट करती हूँ डॉक्टर शिपाली चौहान जी का, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम इस महत्वपूर्ण विषय को फिर से पुनर्जीवित कर पाए, अपनी भूली बिसरी यादों और परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयत्न किया है वो वाकई में सराहनीय है। यह एक यक्ष प्रश्न है हम सबके सामने, जब संपूर्ण विश्व व हमारा प्रिय भारत देश चंद्रयान के सहारे अंतरिक्ष पर अपने अस्तित्व का ध्वजा पताका लहरा रहा है और स्थापित कर चुका है अपने आप को, तब आईपैड, लैपटॉप को पीछे छोड़ ह्यूमन क्लोनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए वातावरण और विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं। तो क्या औचित्य है वर्षों पुरानी क्षत्रिय परंपरा के प्रति अपना मान व समर्पण प्रस्तुत करने का? आइए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आपको कुछ महान ऐतिहासिक परंपराओं का पुनः स्मरण कराने के लिए मैं चाहूंगी आप अपनी स्मृतियों में ताजा करें रानी पद्मिनी जी को। जौहर के पहले अपने मानस पटल पर वह चित्र अंकित करने की कोशिश करें जब धोखे से राणा रतन सिंह जी को खिलजी ने कैद कर लिया था। गोरा बादल और मात्र 80 पालकियों, चंद राजपूतों के सहारे खिलजी के गढ़ से रानी पद्मिनी उन्हें निकाल कर लाई थी। और एक दिन वो भी आया जब अपने आत्मसम्मान और बलिदान के अतिरिक्त और कोई रास्ता न देखकर उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया अग्नि की उस वेदी पर। रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी दुर्गावती हो, रानी कर्णावती हो या पन्ना धाये जी हो, जो क्षत्रिय कुल में ना पैदा होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म का बहुतों से अधिक और बहुतों से अच्छा निर्वहन किया है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं से, परंतु आज के युग में किस प्रकार नई परिभाषाएं दें अपनी क्षत्रिय परंपरा को? हमेशा ये प्रश्न कहीं मेरे मनस पटल पे आता है। जब प्रश्न मन में आता है तो सहज ही कुछ चित्र भी उभरते हैं उसके उत्तर स्वरूप में। मैं देखती हूँ आज भारतीय सेनाओं में सर्वाधिक संख्या हमारे भाई बहनों की है। वहां आधुनिक स्वरूप में हमारी अनगिनत बहनें आज भी अपने वही छत्राणी धर्म का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। देखती हूँ नवजातों को नव जीवन देते हुए अपने हाथों में सर्जिकल लाइन लिए डॉक्टर शिपाली चौहान जी को, या फिर चुनौतीपूर्ण सार्वजनिक जीवन में घर, समाज और शीर्ष पति व्यस्त होते हुए बच्चों के प्रति अलग अलग भूमिकाओं में दुर्गा स्वरूपा अपनी बड़ी बहन श्रीमती मंजू सिंह को, सर पर हेलमेट लिए, हाथों में राजगढ़ लिए एडीएम सिटी ज्योति सिंह जी को, या फिर लॉ एंड ऑर्डर में जाते हुए अपने पति को निजी शस्त्र बुलेट प्रूफ देते हुए स्वयं को। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।